दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो शायद आप तुरंत हाँ कह देंगे, क्योंकि आपको अपनी फिटनेस पर पूरा भरोसा है, आपको अपने पैरों पर कॉन्फिडेंस है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप 20 किलोमीटर लगातार पैदल चल सकते हैं और अगर इस कंडीशन में भी आपका जवाब हाँ है तो हो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस हो सकता है। बहुत छोटा सा फर्क होता है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कॉन्फिडेंस कब एरोगेंस में बदल गया। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, जब आप किसी फंक्शन में अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं तो आपको अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस महसूस होता है। लेकिन कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप उसी फंक्शन में खुद को बेस्ट मानने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि यहाँ पर आपसे अच्छे कपड़े किसी के नहीं है और आपकी पर्सनालिटी सबसे बेस्ट है, और इसी चक्कर में आप सभी लोगों से खुद की तुलना करने लगते हैं, और इसी चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस कब एरोगेंस में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदलने से पहले ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस और कॉन्फिडेंस के बीच का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में क्या फर्क है। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भला हम कब काम आएंगे। आज का ये वीडियो पूरी तरह से आपकी पर्सनालिटी को आपके सामने लाकर रख देगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना। वहीं एरोगेंस वाला बंदा खुद को हमेशा दूसरों से बेहतर समझता है। चलिए आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि एक हट्टा कट्टा बंदा है जो बहुत पावरफुल है। ये हट्टा कट्टा बंदा जब भी किसी इंसान से मिलता है तो उसे लगता है कि वो सामने वाले से ज्यादा पावरफुल है, और रिसीवर कॉन्फिडेंस में खुद को हीरो समझता है। अब एक दिन इसी हट्टे कट्टे की मुलाकात एक एथलीट से होती है जो नेशनल लेवल का रनर है, और जब ये हट्टा कट्टा बंदा उस एथलीट को देखता है तो उसे लगता है कि ये एथलीट तो मुझसे काफी कमजोर है, मैं तो इससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, तो फिर मैं इससे भी तेज दौड़ सकता हूँ। और यहीं पर आ जाता है एरोगेंस। बिना सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना आपको एरोगेंट बनाता है, क्योंकि वो पावरफुल बंदा कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो लेकिन नेशनल एथलीट से तेज नहीं भाग सकता। और अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा ये है कि अब हम ये पता करने वाले हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर एरोगेंट। प्रोसेस वही रहेगा, हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे और आपको ईमानदारी से उनके जवाब देने हैं। और हाँ, अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको सारे पॉइंट नोट करने हैं और लास्ट में उनका टोटल करना है। नंबर 1, पहला सवाल ये है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा सूट करता है। ए फ्रेंडशिप, बी पावर, सी सक्सेस, डी फेमस। आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन ए तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट, और अगर आपका जवाब है ऑप्शन बी तो आपको मिलेंगे पूरे 4 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 2 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 3 पॉइंट। आपने जो भी जवाब दिया होगा उस हिसाब से अपने पॉइंट नोटबुक में नोट कर लीजिए। नंबर 2, आप अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल करते हैं। ए जो भी होगा देखा जाएगा, बी मैं इसे कर सकता हूँ, सी पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, डी जब तक कुछ बिगड़ नहीं जाता तब तक इग्नोर करते रहो। अगर आपका आंसर ए है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट और ऑप्शन सी के लिए 1 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए पूरे 4 पॉइंट। नोट कर लीजिए। नंबर 3, क्या आपने कभी सीरियसली किसी को इंसल्ट किया है। ए कभी कभी, बी कभी नहीं, सी आपको ऐसा करने में मजा आता है, डी अक्सर करते रहते हो। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे 2 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट और आखिरी ऑप्शन के लिए आपको मिलेंगे 4 पॉइंट। नंबर 4, आप अपनी सफलता पर किस तरह से व्यवहार करते हो। ए अपने शत्रु के सामने दिखाते हो, बी सारी दुनिया को दिखाते हो, सी पहली अचीवमेंट के बाद तुरंत दूसरी अचीवमेंट का प्लान बनाने लगते हो, डी या फिर अपने दोस्त यारों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हो। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे पूरे 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 3 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 1 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 2 पॉइंट। नंबर 5, मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा आप कब फील करते हो। ए कभी नहीं, बी कभी कभी, सी हमेशा, डी सफलता के बाद तो बनता है।
ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 4 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 3 पॉइंट। नंबर 6, कुछ भी नया सीखते समय आपको कैसा महसूस होता है? ए, आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। बी, आपको सीखना अच्छा लगता है। सी, सीखना आपके बस की बात नहीं। डी, आप वही चीज सीखोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलेंगे पूरे 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 2 पॉइंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर 7, दूसरे के ओपिनियन पर आपका रिएक्शन कैसा होता है? ए, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनकर उसे अप्लाई करते हो। बी, हमेशा इग्नोर करते हो। सी, सामने वाले की बात पर ज्यादा सोचते हो। डी, सामने वाले की बात से सहमत हो जाते हो मगर हमेशा अपने मन का करते हो। पहले ऑप्शन के लिए 1 पॉइंट, दूसरे ऑप्शन के लिए 4 पॉइंट, तीसरे ऑप्शन के लिए 2 पॉइंट और आखिरी ऑप्शन के लिए 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। नंबर 8, आपके हिसाब से आपका दुश्मन कौन होना चाहिए? ए, आपका आलोचक। बी, आपका कोई दुश्मन होगा ही नहीं। सी, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते। डी, या फिर ऐसे लोग जो आपसे बेहतर हैं। ऑप्शन ए के लिए 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 2 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 3 पॉइंट। नंबर 9, क्या आपके अंदर अपनी कमियां सुनने की हिम्मत है? ए, आप अपनी कमियां सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। बी, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी कमियां सुना सके। सी, कभी कभी आप इससे परेशान हो जाते हो। डी, अब कभी भी अपनी कमी नहीं सुनना चाहोगे। पहले ऑप्शन के लिए 1 पॉइंट, दूसरे ऑप्शन के लिए 4 पॉइंट, तीसरे ऑप्शन के लिए 2 पॉइंट और आखिरी ऑप्शन के लिए 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। और ये रहा आखिरी सवाल। नंबर 10, कोई ऐसा इंसान जो आपसे नफरत करता है लेकिन एक दिन वो आपसे मदद मांगने आता है, तब आप क्या करोगे? ए, हेल्प नहीं करोगे। बी, हेल्प कर दोगे। सी, उसे भला बुरा कहकर भगा दोगे। डी, उसे इग्नोर कर दोगे। ऑप्शन ए के लिए 2 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 4 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब जल्दी से अपने सारे पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए। अगर आपको 10 से 16 के बीच में पॉइंट मिले हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको अचानक हजारों की पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप नहीं बोल पाओगे और आपकी बोलती बंद हो जाएगी, मतलब पब्लिक स्पीकिंग आपको बहुत मुश्किल लगती है। कुछ काम करना हो या किसी टीम के साथ काम करना हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो, लेकिन जब बारी डिसीजन लेने की आती है तो आप थोड़ा लड़खड़ाने लगते हो, मतलब टीम लीडिंग करने में आपको बहुत दिक्कत आती है। और अगर हमारे इस पर्सनालिटी टेस्ट में आपका स्कोर है 17 से 25 के बीच तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है, मतलब आपके चेहरे पर हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। हो सकता है किसी खतरनाक सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाए, मगर नॉर्मल लेवल पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हो। आप अपनी ताकत और क्षमताओं पर बिलीव करते हो, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में, मतलब आपके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है और यही चीज आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत ही हम्बल इंसान हो, लेकिन कई बार आपका नरम दिल होना आपके लिए घाटे का सौदा बन जाता है क्योंकि लोग इसका फायदा उठाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा चालाक होने की जरूरत है। अब बात करते हैं 26 से 33 पॉइंट वालों की। अमूमन इस तरह की पर्सनालिटी वाले लोग बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और इन्हें अपनी क्षमता और ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड रहता है। मतलब इस पर्सनालिटी वाला कोई बंदा अगर बाइक को पूरी स्पीड से चला रहा है तो उसे लगता है कि दुनिया में उससे बेहतर राइडर कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह के लोग खुद को दुनिया में सबसे बेहतर समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस तरह की पर्सनालिटी के लोगों को लगता है कि उनका डिसीजन ही आखिरी डिसीजन है। इस तरह के लोग बिना सोचे समझे और सामने वाले की कंडीशन जाने बगैर ही कुछ भी बोल देते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी भी ठीक इस तरह है तो आपको थोड़ा दयालु बनने की जरूरत है ताकि आप सामने वाले को हर्ट ना करें। और अब बात करते हैं उस पर्सनालिटी की जो किसी के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब अगर आपको मिले हैं 34 से 40 पॉइंट के बीच तो हमें ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि आप एक एरोगेंट इंसान है। मतलब अगर आपने अपनी कॉलोनी के क्रिकेट मैच में 10 छक्के क्या मार दिए, आपको लगने लगता है कि दुनिया में आपसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं।
आप ये पर्सनालिटी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान हो जाने पर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया और आप दूसरों को ज्ञान देने लगते हो। इस पर्सनालिटी वाले लोगों की सबसे बड़ी और खराब बात ये होती है कि ये लोग जो कुछ भी करते हैं उसे दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। जहां भी उठते बैठते हैं वहीं पर कंपटीशन शुरू कर देते हैं। मतलब अगर आपके सामने कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो आप उससे कहोगे कि मैं तो इस तरह की 5 बोतल पी सकता हूँ। मतलब कॉमन सेंस जैसी कोई बात ही नहीं। आप अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते और उल्टा दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और ऐसा करते समय अपनी पावर का भी इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, एरोगेंट पर्सनालिटी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सके तो इसे जल्द से जल्द बदल लीजिए। और अगर आपको हमारी बातों से दुख पहुंचा हो तो माफ कीजिए, लेकिन ये सब बताना आपके लिए बहुत जरूरी था। एक अच्छी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनाइए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।